तो Redmi Note 11 सीरीज जो है इंडिया में लॉन्च हो गया है, जिसमें से आप सभी को पता है कि Redmi Note 11 भी लॉन्च हो गया है। तीन फोन आने वाले हैं, अभी प्रो नहीं आया है, सिर्फ Redmi Note 11 और Redmi Note 11 S इससे पहले ही लॉन्च हो गया था। तो आप सभी को पता होगा कि इससे पहले Realme ने अपना Realme 9i जो है लॉन्च किया, जो कि एकदम से बेकार फ़ोन था, जिस पर आप सभी का ओपिनियन आया, मतलब उतना एक्सपेक्टेशन जो है बेटर नहीं था। तो Redmi Note 11 लॉन्च हुआ, तो मैंने जो है क्वेश्चन भी किया था आप सभी से कि अगर आपको एक फ़ोन में से कोई एक फ़ोन जो है चूज़ करना हो, जैसे कि Realme 9i, Redmi Note 11, तो आप सभी ने पिक किया Redmi Note 11। तो आज के वीडियो में आप सभी से बात करेंगे, Redmi Note 11 अगर आप लेने जा रहे हैं तो आपको लेना चाहिए या नहीं, या फिर इसमें हमें क्या प्रॉब्लम देखने को मिलता है। जी हाँ, जानते हैं कि Realme 9i से Redmi Note 11 बेटर हो सकता है, लेकिन जिस प्राइस में आपको देखने को मिलता है Redmi Note 11, उसका पावर उतना से अच्छा कि नहीं लगेगा। मान के चलिए कि किसी को गेमिंग खेलना है, किसी को कैमरा के लिए फ़ोन लेना है, वो जाके Redmi Note 11 उठा ले, तो ऐसा तो अच्छा नहीं होगा, उसके लिए तो काफ़ी बुरा बात होगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी से डिटेल से बात करेंगे Redmi Note 11 में आपको क्या बुराई देखने को मिलता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले एक काम कर ले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए बात करते हैं Redmi Note 11 के बारे में। जैसा कि आप सबको पता होगा कि Redmi Note सीरीज का कितना सारा फैन है इंडिया में, यानी कि Redmi Note जो सीरीज आता है नंबर वाइज 6, 7, 5, 8, 9, जो काफ़ी पॉपुलर इंडिया में, ज़्यादा जो बिकता है फ़ोन MI या Redmi का, वो नोट सीरीज का ही स्मार्टफोन है। तो आप सब मान के चलिए कि Redmi Note 11 भी जरूर पॉपुलर होगा, लेकिन यहाँ पर Redmi Note 11 जो है काफ़ी ज़्यादा डाउनग्रेड है बाकी पिछले फ़ोन के अगर कंपेरिजन में करूँ तो Redmi Note 11 को। क्यों? क्योंकि Redmi Note 10 में जो है इससे बेटर आपको स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता था। तो लुक डिज़ाइन की बात करो तो लुक डिज़ाइन आपको बेटर देखने को मिलता है Redmi Note 11 S के जैसा देखने को मिलता है, आपको क्वाड कैमरा का डिज़ाइन देखने को मिलता है पीछे में, लेकिन आपको प्लास्टिक बैक में ही देखने को मिलेगा। अब पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है, आप सबको शायद पता होगा कि Redmi Note 7 में हमें फर्स्ट टाइम जो है ग्लास देखने को मिला था, लेकिन फिर Redmi Note 10 आया, 9 आया, तब पर भी हमें ग्लास जो है देखने को, मतलब ग्लास देना छोड़ दिया MI या Redmi, अभी भी प्लास्टिक का ही यूज करता है, पता नहीं क्यों ऐसा किया। तो यहाँ पर भी आपको प्लास्टिक बैक में जो है डिज़ाइन देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, चार कैमरा देखने को मिलेगा, एंड फ्रेम जो आपको देखने को मिलेगा वो फ्रेम फ्लैट देखने को मिलेगा, जो कि अभी सारा कोई कर रहा है, ओप्पो को उठा ले, रेडमी को उठा ले, या फिर आप जिसको भी वीवो को उठा ले, सारा जो है अपना फ्रेम जो है फ्लैट कर रहा है। क्यों? आईफोन के देखते हुए, क्योंकि आईफोन 13 जब से फ्लैट आया है सब बड़े ने सोचा है हमें भी फ्रेम को जो है फ्लैट करना है। अब मैं बात कर लेता हूँ डिस्प्ले, यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलेगा 6.43 इंच का एक सुपर एमोलेड वाला डिस्प्ले, जो कि फुल HD प्लस रेजुलेशन के साथ आपको देखने को मिलेगा, एंड आपको सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिलेगा, एंड आपको 90Hz का एक रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा। पिछले Redmi Note 10 से मैं देख रहा हूँ कि MI या Redmi अपना डिस्प्ले पर ज़्यादा काम कर रहा है, तो यहाँ पर डिस्प्ले आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, नो डाउट डिस्प्ले में आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगा, तो डिस्प्ले काफ़ी बेटर आपको देखने को मिलेगा। अब मेन मुद्दा आता है परफॉर्मेंस, यहाँ पर अगर आप गेमिंग के लिए Redmi Note 11 खरीदने जा रहे हैं तो आप सभी के लिए काफ़ी डिसअपॉइंट वाली बात होगा। यहाँ पर जो आपको चिपसेट देखने को मिलता है, कोलकॉम स्नैपड्रैगन 680 का एक चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि एक 4G चिपसेट है, यानी कि Redmi Note 11 जो है 5G होने वाला नहीं है, ये एक 4G फ़ोन है, एंड आपको चिपसेट जो देखने को मिलता है 680 का। अगर इसकी मैं पावर की बात करूँ तो 2.5 लाख के आसपास पावर देखने को मिलता है, इससे बेटर पावर आपको Redmi Note 7 Pro में जो परफॉर्मेंस देखने को मिला था, मतलब चिपसेट देखने को मिला था, कोलकॉम स्नैपड्रैगन 675, उसमें ज़्यादा पावर देखने को मिला था। कैसे? अगर आप BGMI खेलने के लिए ये फ़ोन ले रहे हैं तो स्मूथ में आपको सिर्फ हाई सेटिंग दिखाई देगा, ठीक है, स्मूथ में हाई, अगर आप हाई लेवल पर खेलना चाहते तो आपको स्मूथ तक जाएगा, HD नहीं सपोर्ट करता है BGMI।
अगर आप वहीं Redmi Note 7 Pro जो कि 2 साल पुराना फ़ोन है, वहां पर जो आपको पावर देखने को मिलता था HD में आप हाई पर खेल सकते थे, लेकिन यहां पर आपको स्मूथ में भी हाई का ऑप्शन देखने को मिलता है, HD तो सपोर्ट ही नहीं करता है। तो यहां पर अगर आप गेमिंग खेलना चाहते हैं तो बिल्कुल ही आपके लिए ये फ़ोन नहीं हो सकता है। आप अगर गेमिंग के लिए फ़ोन लेना चाहते हैं माइक्रो मैक्स का इन नोट 2 की तरफ जा सकते हैं, और उसके जगह पर काफ़ी सारा स्मार्टफोन आता है इनफिनिक्स की तरफ से जा सकते हैं, उसे चिंता मत करिए। गेमिंग पर मैं वीडियो ला रहा हूँ टॉप 10 स्मार्टफोन 15,000 के अंदर में जो कि गेमिंग के लिए सिर्फ होने वाला है, तो इसमें आपको बिल्कुल ही पावर देखने को नहीं मिलता है। कैमरा के बारे में बात करो तो आपको रियर में जो है क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, 50 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी लेंस देखने को मिलता है, जिसमें से कोई भी मेंशन नहीं किया गया है कि ये एक सैमसंग का सेंसर है या फिर सोनी का सेंसर है, यहाँ पर कोई भी मेंशन नहीं किया गया है। वहीं अगर मैं 2 साल की पहले की बात करूँ, Redmi Note 7 Pro में काफ़ी अच्छा फ़ोटो आता है, वहाँ पर जिक्र किया गया था सोनी का सेंसर जो कि काफ़ी बेटर फ़ोटो देता था, यहाँ पर कोई भी जिक्र नहीं, यानी कैमरा के लिए ये फ़ोन है ही नहीं। तो कैमरा के लिए भी अगर आप ये फ़ोन लेना चाहते हैं तो Redmi Note 11 आप सभी के लिए नहीं है। एंड आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल वाला लेंस देखने को मिल जाता है। सेल्फी कैमरा के बारे में बात करो तो 13 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। अब बैटरी के बारे में बात करो तो आपको 5000 mAh का एक बैटरी देखने को मिलता है एंड 33W का एक फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है एंड आपको एडियो जो है स्पीकर जो सिर्फ एक ही देखने को मिलता है, एयर ब्लास्टर देखने को मिल जाता है, नोटिफिकेशन लाइट आपको देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 11 के साथ देखने को मिलेगा एंड MIUI 13 के साथ आपको देखने को मिलेगा। अब इस फ़ोन के प्राइस की बात करो तो आपको बेस वेरिएंट जो देखने को मिलता है 4GB का रैम, 64GB स्टोरेज के साथ अराउंड 12,500 में, 12,499 में। अब इस प्राइस के साथ अगर मैं इस फ़ोन का कंपेयर करूँ तो माइक्रो मैक्स इन नोट 1 जो कि 9,500 में देखने को मिलता है एंड माइक्रो मैक्स इन नोट 2 या फिर इन्फिनिक्स का हॉट सीरीज में आता है, वो सब इससे ज़्यादा जो है पावर देता है, परफॉर्मेंस इससे जो है बेटर है। तो अगर आप गेमिंग के लिए स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आप Redmi Note 11 को छोड़ सकते हैं, इससे बेटर आपको काफ़ी सारा स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है। तो अराउंड इसी के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, Redmi Note 11 फ्लॉप हो चुका है मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी जिसको जितना भी नॉलेज है टेक का उतना ही नॉलेज है तो आराम से Redmi Note 11 ले सकता है। अब देखते हैं कि Redmi Note 11 Pro में किस तरह का स्पेक्स रहता है, फिलहाल आने देते हैं फिर बात करते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा, आपको Redmi Note 11 कैसा लगा हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलता हूँ आप सभी से एक नए वीडियो के साथ, एक नए फ़ोन के साथ जल्द ही।